दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की हमारी फूड वॉक में। आज हम आ चुके हैं मंडी हाउस, जिसे कलाकारों का अड्डा भी कहा जाता है। दोस्तों मंडी हाउस के बारे में ऐसा कहा जाता है, जो मंडी के राजा थे वो दिल्ली आकर इस जगह रहने लगे, उसी टाइम से इस जगह का नाम मंडी हाउस पड़ गया। भाई दिल्ली के अंदर जितनी पुरानी ये जगह है, उतना ही पुराना जायका छिपा हुआ है यहाँ के खाने में। तो दोस्तों इसी वजह से आज हम कवर करने वाले हैं मंडी हाउस और उसके आसपास के फेमस फूड जॉइंट्स। आप भी वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि सबसे ज्यादा खाना आपको कहाँ का पसंद आया। तो दोस्तों आज की फूड जर्नी हम स्टार्ट करने वाले हैं तुरंत चाइनीज फूड वैन से। सुना है इनका चाइनीज बहुत ही फेमस है, तो हम नूडल्स यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो चलिए आप भी मेरे साथ साथ रहेगा इस फूड जर्नी में, आइए मेरे साथ। कितना पुराना है ये? 1985। तो आपका क्या फेमस है सबसे ज्यादा? सभी फेमस ही है, चिल्ली पटेटो भी, चाउमीन भी, राइस भी, सब चिल्ली चिकन हो गया, मोमोज। अच्छा। हो गया, 10 बजे से चालू कर देता है वैसे तो। अच्छा। शाम को 10 बजे तक, 10 बजे से 10 बजे तक। हाँ। तो ये अपने नूडल बनने जा रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया इनका चाइनीज बहुत फेमस है यहाँ पर, सारा चाइनीज ही आइटम बनाते हैं ना। भाई जैसा इनका नाम है तुरंत, तो इन्होंने तुरंत से हमारी ये नूडल्स बनाकर दे दिए, तो हम अब ट्राई करते हैं। मैं तीनों से नहीं खाने वाला, तीन बंदे मेरे साथ हैं। नूडल्स वास्तव में लाजवाब हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने स्वदेशी पिज्ज़ा पर, मूंग दाल पिज़्ज़ा। चलिए अंकल से बात करते हैं, जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये कितना पुराना है स्टॉल, थोड़ा बताओगे ये स्वदेशी पिज़्ज़ा क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई? मेरा नाम कपिल मदान है, ये मूंग दाल का पिज़्ज़ा है, स्वदेशी पिज़्ज़ा। अच्छा। हेल्दी और हाइजेनिक फूड है। अच्छा। बाकी आप खाने के बाद बताएंगे। इसमें बहुत सारी वेराइटी है, प्लेन है, स्टफ्ड है, चीज़ है, डबल चीज़ है, चीज़ बर्स्ट है, चॉकलेट है, गार्लिक ब्रेड, कटलेट रोल, फ्रेंच फ्राई, सब मूंग दाल से प्रिपरेशन होती है। तो ये अपना कितना पुराना है ये स्टॉल? 2015 से है सर। 2015 से आप बना रहे हो यहाँ पर? यस सर। एक बार पिज़्ज़ा खाया था मैदे का। अच्छा। वो हमें अच्छा नहीं लगा था, उसके बाद से घर पे ट्राई करते रहे, कुछ अलग करने की चाह थी, वो पिज़्ज़ा बेस तैयार कर दिया। प्राइस क्या रखा है आपने? 60 रुपये से लेके 200 रुपये तक का प्राइस है इसमें। अच्छा। क्या ये मूंग दाल है अपनी सारी? मूंग की दाल है प्योर। अच्छा। और क्या होता है इसके अंदर? नमक होता है, इनो होता है। इनो एंड नमक। यस। तो भाई इसका नाम दिया अपना स्वदेशी पिज़्ज़ा, देसी पिज़्ज़ा है ये और हेल्दी है, जैसे कि अंकल ने बताया इसमें कोई मैदा वगैरह नहीं होता। स्वदेशी पिज़्ज़ा का स्वाद है ताज़ा, इम्यूनिटी को कर दे ज़्यादा। दोबारा बताइए। स्वदेशी पिज़्ज़ा का स्वाद है ताज़ा, इम्यूनिटी को कर दे ज़्यादा। क्या एक बार खाइए फिर बताइए। एक बार खाइए फिर बताइए। तो हम बताने वाले हैं कैसा लगा हमें स्वदेशी पिज़्ज़ा। कितना टाइम लग जाता है एक पिज़्ज़ा बनने में? 10 से 12 मिनट। आप देख सकते हैं ये अपने सारे पिज़्ज़ा बन रहे हैं। इसके अलावा हम बनाते हैं दाल मुरादाबादी। अच्छा, ये दाल मुरादाबादी है? हाँ जी। इसके अंदर कोई तड़का नहीं होता, मसाले, मटरी, नींबू, मक्खन से बनती है दाल, बहुत लाजवाब होती है। चलिए भाई दाल भी ट्राई करेंगे, ये जो मुरादाबादी दाल है अंकल जी ने बताया कि एक बार ज़रूर ट्राई करें, तो उनके कहने पर हम ट्राई कर रहे हैं। हाफ दाल कर दीजिए मुरादाबादी और उसके बारे में बताइए क्या क्या जाता है उसके अंदर। ये मुरादाबादी दाल है, देसी घी में भुनी हुई दाल है, इसके अंदर मसाले, मटरी, नींबू, मक्खन डाला जाएगा आपके सामने। ये अदरक है सर इसके अंदर, ये साल्ट है, ये मसाले हैं, ये जीरा धनिया है,
ये भुनी मिर्च है देसी घी में। ये ऊपर मट्ठी डाली है। अच्छा। ये हरी मिर्च और इसके ऊपर आएगा अब ये मक्खन। तो ये आ गई अपनी मुरादाबादी दाल। तो चलिए भाई इसको टेस्ट करते हैं, इससे पहले मैंने कभी टेस्ट नहीं करी है। पहले मुझे लग रहा था ये इसमें मसाले नहीं होंगे, प्लेन थी ये, लेकिन ऊपर से काफ़ी सारे मसाले डाले हैं तो काफ़ी चटपटी हो गई है। ये सर्व किया जाता है दो तरह की चटनी, हरी चटनी और लाल चटनी के साथ। ये आ गया जी अपना स्वदेशी पिज़्ज़ा। बहुत ही क्रिस्पी है, चीज़ का और बाकी मसालों का अलग ही स्वाद आ रहा है इसमें। अगेन मुझे लग नहीं रहा था दाल की तरह ये भी इतना स्पाइसी होगा, चटपटा होगा, तो थोड़ा सा चटपटा बन गया। नो डाउट अच्छा है, इसका जायका अलग है, यूनिक है। भाई अब हम पहुंच चुके हैं बंगाली मार्केट। यहाँ पे छोले भटूरे और गोलगप्पे, और नो डाउट यहाँ का पान बहुत फेमस है। तो चलिए मेरे साथ, हम ट्राई करने वाले हैं एक एक करके। तो दोस्तों इस समय हम खड़े हैं नाथू स्वीट्स के सामने, नाथू स्वीट्स। तो चलिए भाई इनके छोले भटूरे ट्राई करते हैं, सुना है बड़े फेमस है। चलिए मेरे साथ। मैं अभी बैठा हूँ नाथू स्वीट्स में और मैं टाइम पास कर रहा हूँ, तब तक मेरे छोले भटूरे नहीं आ जाते, क्योंकि मैं ईगरली वेट कर रहा हूँ कि मैंने सुना यहाँ पे बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी है छोले भटूरे। भूख भी अब काफ़ी बढ़ चुकी है, लग चुकी है। आपको जेन्युइन रिव्यू करने वाला हूँ, जेन्युइन रिव्यू देने वाला हूँ कि भाई वास्तव में टेस्टी है या ओवर हाइप। लो जी हमारे छोले भटूरे आ चुके हैं। वाह क्या बात है भाई, साइज़ तो बड़ा ही ज़बरदस्त है इनका। तो ये हैं जी हमारे गर्मा गर्म भटूरे, साथ में ये छोले हैं और ये है चटनी, लाल चटनी, और साथ में प्याज और हरी चटनी, बीच में ये स्टफिंग भी है। और ये है इनके छोले, बीच में डाला है पनीर, बहुत ही थिक छोले हैं। साथ में डालते हैं थोड़ी सी हरी चटनी, इसके अलावा ये लाल चटनी, और इसे कहते हैं जी परफेक्ट बाइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू गुड गाइस। अब लेते हैं हम बगैर चटनी के ये बाइट, फिर पता चलेगा इसका एक्चुअल टेस्ट कैसा है। नो डाउट यहाँ के छोले भटूरे टेस्टी हैं, लेकिन जो सेकंड बाइट मैंने ली थी वो थोड़ी सी स्पाइसी थी, क्योंकि बीच में ये मसालों की इसमें स्टफिंग है, शायद इसमें मिर्च मसाले डाले हुए हैं, आई डोंट नो कि ये किस चीज़ की स्टफिंग है, लेकिन इससे थोड़ा सा स्पाइसी हो गए हमारे छोले भटूरे, बट ओवरऑल बहुत अच्छे हैं। और गाइस इस प्लेट की कीमत है 126 इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, 126 रुपये की एक प्लेट। फाइनली अब हम आ चुके हैं बंगाली स्वीट्स, और यहाँ के गोलगप्पे हैं बहुत फेमस, बहुत टेस्टी। चलिए गोलगप्पे ट्राई किया जाए। भैया कब से खिला रहे हैं आप गोलगप्पे यहाँ पर? यहाँ पर 15 साल हो गई जी खिलाते हुए। 15 साल जी। प्राइस क्या रखा है आपने फुल प्लेट और हाफ प्लेट का? हाफ प्लेट का 30 रुपये चार पीस, फुल प्लेट का 60 रुपये आठ पीस। ये भैया ने थोड़ी नाइंसाफी की थी, इतना बड़ा साइज था, ओवर साइज था, बड़ी मुश्किल से खाया गया। बहुत ही स्पाइसी पानी है भैया। तो भाई हम आ चुके हैं त्रिवेणी टेरेस कैफ़े, यहाँ का पालक पत्ता चाट मस्ट ट्राई है ऐसा मैंने सुना है, तो चलिए ट्राई करते हैं यहाँ का पालक पत्ता चाट। और बड़ा खूबसूरत सा इसका एम्बियंस है,
तो भाई ये आ गई है हमारी त्रिवेणी टेरेस कैफे की बहुत ही फेमस पालक पत्ता चाट। दिखने में तो बहुत ही टेम्पटिंग है। ये हमारा पालक और उसको फ्राई किया हुआ है। नो डाउट चाट तो बहुत टेस्टी है, लेकिन इसका टेस्ट आपको बिल्कुल रात के चोर की याद दिला देगा। सेम उसी की तरह इसका टेस्ट है। वीडियो की शुरुआत की थी हमने चाइनीज़ फूड से, क्यों ना इसका एंड किया जाए पान के साथ, मीठे पान के साथ। तो ये भैया यहाँ पर खिलाते हैं बड़ा ही ज़बरदस्त मीठा पान, बहुत ही फेमस है। चलिए बात करते हैं इनसे। भैया क्या हाल है? फर्स्ट क्लास। क्या नाम है आपका? सुनील जायसवाल। तो थोड़ा बताइए कब से पान खिला रहे हैं आप? यहाँ पर 27-28 साल हो गए। 27-28 साल। मैंने सुना है सारे पॉलिटिशियन अगर बंगाली मार्केट आए हैं तो यहाँ पान जरूर खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है? बिल्कुल। कौन कौन आए आपके पास? सारे आए हैं, कौन नहीं आया? अच्छा, तो भैया आप हमारे लिए बना रहे हैं मीठा पान, थोड़ा बताते जाइए भैया। ये स्वीट ग्लोरी है। अच्छा, स्वीट ग्लोरी। ग्लोरी, ओके। और कितना तरह के पान है अपने पास? बहुत तरह के पान हमारे पास। फिर भी जितने कितनी वैरायटीज है? मीठा पत्ता है, देसी पत्ता है, कलकत्ता। अच्छा। पत्ता है, मगई है, बनारसी है। ऊपर से क्या डाला आपने? ये पान चटनी है। ये पान चटनी है। हाँ जी। और इसके अंदर क्या है? इसमें खजूर है। अच्छा। खजूर है, मीठी सौंफ है, गुलकंद है। तो चलिए भाई पान खाते हैं इनका। भाई शुरुआत की थी हमने चाइनीज फूड के साथ, तो हम खत्म कर रहे हैं अपनी वीडियो को इस पान के साथ। आई एम नॉट ए पान फैन, लेकिन भैया का पान गजब था। तो भैया बड़ा पसंद आया हमें आपका पान। भैया नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन मोस्टली सभी जो पॉलिटिशियन यहाँ पर बंगाली मार्केट आते हैं भैया का पान जरूर खाते हैं, क्यों भैया? बिल्कुल यस। और इसका प्राइस बता दीजिए। 40 each। कोई भी पान खाओ 40 रुपये में? नहीं नहीं नहीं, और डाउन भी है। अच्छा, डाउन भी है? 20 का भी है, 30 का भी है, 20 रुपये का भी है, 30 रुपये का भी है, मैक्सिमम 40। कलकत्ता पान है मीठा, मगई मीठा है, और चॉकलेट पान भी है, फायर पान भी है। पान तो बहुत से प्रकार के हैं, जो से आप पत्ते पे खाओ उसमें लग जाएगा लगाने में। तो दोस्तों ये तो थी हमारी आज की फूड वॉक। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और चैनल को हमारे प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। जल्दी ही मिलते हैं ऐसी चटपटी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।